नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए एमटीएस के कुछ रीजनिंग के और मैथ्स के क्वेश्चन और आ गए हैं मेरे पास। 19 सितंबर के हैं ये, इसमें देख लेते हैं एक साथ दोनों देख लेते हैं, ये रीजनिंग के और मैथ्स के क्वेश्चन। देखिए ये एक फिगर आया था, इसमें आपको ट्रायंगल निकालने को आया था, कितने त्रिभुज। तो अगर आप ऑप्शन बता देते तो ज़्यादा सही रहता। वैसे इसमें अगर आप देखें तो 12 ट्रायंगल निकलेंगे आप मेरे हिसाब से। आपको कुछ और लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फिर एक ये आया था कि 3, 6, फिर 9, 15, फिर 24, फिर 39, इसके बाद क्या होगा। अगर आप इसमें देखें, डिफरेंस देखिए, तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 6 आ गया, यानी कि इन दोनों का एडिशन। फिर यहाँ पे 3 और 6 आया, फिर यहाँ पे 9 आ गया, यानी कि लास्ट के दो का एडिशन। फिर यहाँ पे और इसमें डिफरेंस कितना है, 15 है। ये कितना है, ये मतलब पूरा पहले आप डिफरेंस दे दीजिए, फिर जो ये वाला लास्ट वाला डिफरेंस है वो ये जो पहले के दो हैं इनका सम है, ये निकल रहा है इसमें। तो अगर आप देखें तो 6 और 9 ये हो जाएगा 15 यहाँ पे। तो अगला वाला क्या आना चाहिए, अगले वाले में आपको 5 और 9 और 15 का एडिशन करके उतना इसमें जोड़ दिए, तो वो आ जाएगा आपका आंसर। यानी कि 39 प्लस 15 प्लस 9 कितना हो गया, 24। तो ये कितना आंसर आ गया, 63। फिर ये एक आपको दिया हुआ है बी पी ई एम एच जे और एम एच जे के, और इसके बाद ये 3 क्वेश्चन मार्क थे, यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए सिंपली कर सकते हैं आप इसको भी। बी के बाद यहाँ पे आ रहा है, देखिए तीसरा नंबर, देखिए ई प्लस टू करके, बी सी डी ई, फिर ई के बाद प्लस टू करेंगे, यानी कि ई एफ जी एच, एच के बाद 2 प्लस करेंगे, फिर के एच एच आई जे के। तो के बाद क्या आना चाहिए, 2 नंबर करके, ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, एल एम एन। तो यहाँ पे एन आ गया। अब इसमें आपको ये वाला निकालना है, इससे पहले वाला क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या हो रहा है, पी और एम के बीच में -2 हो रहा है, मतलब एम के बाद एन ओ पी आएगा, तो ये -2 आप कर देंगे पी से तो एम आ जाएगा। फिर पी एम में -2 कर देंगे तो जे आ जाएगा। फिर जे में -2 अगर आप कर देंगे इसमें तो क्या आएगा, जी, क्योंकि जी एच आई जे होगा। और फिर जी में आप -2 कर देंगे तो फिर आपका क्या आएगा, ये यहाँ पे गलत लिख गया, जी में अगर आप -2 कर देंगे तो जी से पहले क्या आएगा, एफ, और उससे पहले क्या आएगा, ई, और उससे पहले क्या आएगा, डी। तो यहाँ पे जी एंड डी आंसर आ जाएगा, ठीक है, जी एंड डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये एक क्वेश्चन आया था, ये दो कोड दिए हैं, रैम का है 160 और राम का है 160, सन का है 270, बस का निकालना है। ऐसे वाले क्वेश्चन में आप तुरंत पहले अल्फाबेट का जो नंबर होता है वो याद कर लिया करिए, वो आपको याद ही होगा 1 से लेकर 26 तक। आर का 18 है, ए का 1 है, और एम का है 13। तो ये आपका निकला 32, और यहाँ पर नंबर कितना दिया है, 160, मतलब कि 5 से एडिशन हो रहा है। वैसे ही आप सन में देखें तो ये कितना है, 19 प्लस 21 प्लस 14, कितना नंबर हो गया, 54 हो गया, और ये इसको आप 5 से इंटू कर देंगे तो ये अब कितना आ जाएगा आपका, 270। तो ये मतलब ये जो जितना भी आपका सम आ रहा है उसमें 5 से इंटू करके आंसर आ जाएगा। तो बस वाले का क्या हो जाएगा, 20 से हो गया 2, फिर 21, फिर 19, तो ये कितना हो गया आपका, 42 हो गया, उसमें 5 से इंटू कर दिया, 210 आंसर आ गया इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन था देश के बाद राज्य, तो जिले के बाद क्या होना चाहिए, तहसील होना चाहिए, मतलब जिले से जो छोटी इकाई है। लाइट को अगर के एच एफ जी एस बोल सकते हैं तो साउंड को क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन था। देखिए लाइट में अगर आप देखें तो एक एक माइनस करते जाएं तो एल के पहले क्या आता है, के एल, फिर और ये आई के पहले आता है एच, जी के पहले आता है एफ, तो वही इसमें आप इसमें करते हैं, ये एस के पहले क्या आएगा, आर, ओ के पहले आएगा एन, यू के पहले आएगा टी, एन के पहले आएगा एम, और डी के पहले आएगा एम एन, सॉरी डी के पहले आएगा सी। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका आर एन टी एम सी, टी एम सी आंसर होगा इसका, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आया था कारखाना और उत्पादन, तो अस्पताल में क्या होगा, जो ऑप्शंस दिए थे उसमें से इलाज होना चाहिए इसमें। फिर ये एक क्वेश्चन आया इसमें, ये कि इनमें से कौन सी संख्या 30 से भाग हो सकती है। देखिए इसमें 30 से भाग हो सकती है, मतलब देखिए सब में 0 है, तो मतलब कि आप 0 0 हटा दें तो 3 से भाग होने वाली आप संख्या को ढूंढनी है। ये वाली हो जाएगी 237, क्योंकि 3 × 7 और 79 × 3 हो जाएगा ये, तो ये वाली हो जाएगी 2370। काफ़ी सिंपल सा था ये। एक क्वेश्चन था अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 4√3, ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारे करा चुका हूँ एसएससी सीजीएल के टाइम पे। आपको क्या करना पड़ता है कि जो अंडर रूट दिया हुआ है उसको किसी फॉर्मूला में लगा के ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना दो, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तक ले आओ। तो अगर आप देखें इसको, 7 को क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 3 लिख सकते हैं, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और 3 किसका √3 का है, और 4√3 को आप 2 × 2 √3 लिख सकते हैं, तो यानी कि 2 + √3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होगा, आंसर हो जाएगा 2 + √3। अब ये क्वेश्चन था कि ए का 20% बी का 30% है, तो बी ए से कितना कम है, जो लिखा है वही कर दो,
मतलब 20 a/100 इज इक्वल टू 30 b/100, तो इससे 2a = 3b आ गया, यानी कि b = 2a/3 आ गया। अब b की a से कितना कम है, तो उसको निकाल लो आप, a - b / a * 100, यानी कि 33.33%। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर का रेशियो दिया है आपको, टोटल अमाउंट दिया है आपको, क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, क्यू का जो रेशियो डिवाइड बाई टोटल, यानी कि 15/20 + 15+25 * 9600, तो 2400 आ जाएगा इसका आंसर। फिर एक क्वेश्चन लास्ट में ये है कि ए बी से 50% ज़्यादा है और बी सी से 20% कम है, तो सी ए से कितना कम होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादा इसमें आपको अगर नहीं कुछ समझ में आया तो आप सीधे सीधे एक नंबर मान लो, यहाँ पे आपको सी का ए से निकालना है, सी को मान लो 100, ठीक है, अब जो क्वेश्चन लिखा है वो कर दो। सी का अगर आपने 100 मान लिया तो बी सी से 20% कम है, यानी कि बी की वैल्यू हो गई 80, क्योंकि 20% कम है सी से, और ए बी से 50% अधिक है, तो यानी ए की वैल्यू क्या होगी, 80 × 1.5, यानी कि 120। तो सी अगर आपने 100 माना तो ए आ गया 120, तो सी ए से कितना कम होगा, डायरेक्टली a - c / a, यानी 120 - 100 / 120 × 100, तो ये आ जाएगा 50/3%, यानी कि 16.66% है। तो ये कुछ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन थे, ये PDF उन लोगों को मेल कर दी जाएगी तुरंत अभी, जो भी SSC CGL + MTS + Stenographer + UPSI का PDF कोर्स ले चुके हैं, आप भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरी लिंक दी हुई है, उसमें आपको 5 से लेकर 23 अगस्त तक की जितनी भी SSC CGL की जो मेरी वीडियो की PDFs है सब एक साथ मिल जाएंगी, और उसमें SSC CGL के क्वेश्चन के अलावा बाकी बहुत सारे स्टैटिक GK के प्लस रीजनिंग के प्लस मैथ्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्लस उसमें आपको UPSI के 17 से 24 जुलाई तक वाले भी क्वेश्चन पूरे मिल जाएंगे जो एनालिसिस हुई थी, और प्लस MTS का भी आपको 31 अक्टूबर तक जितने भी वीडियो हम बनाएंगे उनकी डायरेक्टली PDF आपकी मेल पे आती रहेगी, और प्लस स्टेनोग्राफर की भी एनालिसिस मिल जाएगी। क्वेश्चन ये वाले मैं पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ, तो आप लोग अगर ये PDF होल्डर नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो में मैं पूरा बता देता हूँ, प्लस टेलीग्राम में आपको मैं जो पिक है और रिलेवेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो तुरंत पोस्ट कर देता हूँ जैसे ही मुझे मिलते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर।